पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे हे ओम ओम सोमानगुं स्वरणं कृणोहे ब्रह्मणस्पते कक्षीवंतं ज ओषिजः। अर्थात हे ब्रह्मणस्पति, आप सोम का सेवन करने वाले को प्रकाशमान कीजिए, जैसे उसीज के पुत्र कुक्षीवान को आपने महिमावान बनाया, वैसे ही आप हमें भी महिमावान बनाने की कृपा करें। हे ब्रह्मणस्पति, आप रोगहारी हैं, आप धनवान हैं, आप ऐश्वर्यदाता हैं, आप पुष्टिवर्धक हैं, आप जल्दी काम समाप्त करने वाले हैं, आप हमारे पास पधारने की कृपा करें। हे ब्रह्मणस्पति, आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए, हम पर धूर्त अज्ञी लोगों का बुरा असर न हो। मित्र देवता अर्यमान देवता और दुर्धर्ष वरुण तीनों हमारी रक्षा करने की कृपा करें। राह कठिन स्थान और घर आदि स्थानों में भी तीनों देवों की कृपा से पापी शत्रु असुर नहीं डाल सकते। वे तीनों देव अदिति देव के पुत्र हैं। वे तीनों मनुष्य को दीर्घ जीवन देते हैं। तीनों देव मनुष्यों को कभी खत्म न होने वाली ज्योति प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप अहिंसक हैं, यजमान हविदाता हैं, यजमान की धनदान से सेवा करते हैं, आप ऐश्वर्य युक्त हैं, आप यजमान को अधिक धन दान करने की कृपा करें। सविता वरण करने योग्य हैं, सौभाग्यवान हैं, हम उन सविता देव की बुद्धि पूर्वक उपासना करते हैं। वे सविता देव हमारी बुद्धि को प्रेरित करने की कृपा करें। हे देवगण, आप चारों ओर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। आपका रथ हमारी रक्षा करने की कृपा करे। आप चारों ओर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें, ताकि हमारे धन की रक्षा हो सके। हे अग्नि, हम अच्छी संतान वाले हों, हम अच्छे वीरों वाले हों, हम सुवीरों का अच्छे अन्न से पोषण करें। आप हमारी संतान की रक्षा करने की कृपा करें। आप हमारे शत्रुओं की रक्षा करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमारे पालक की रक्षा करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप बुलाने योग्य हैं, आप सर्वविद हैं, आप हमारे लिए श्रेष्ठ धन धारण करने की कृपा कीजिए, आप हमारे पास आने की कृपा कीजिए। आप सम्राट हैं, आप शोभा सहित पधारने की कृपा करें, अथवा शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप गृहपति हैं, हमारे संतान के लिए धन देने वाले हैं, आप गृहपति हैं, आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। यह अग्नि दक्षिण है, यह अग्नि धनवान है, यह अग्नि पुष्टिवर्धक है, आप वैभव वर्धक हैं, आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे घर, भयभीत मत होइए, आप कांपिए मत, हम ऊर्जस्वी होने के लिए आपके पास आते हैं, हम ओज संपन्न होकर आप में प्रविष्ट होते हैं, हम श्रेष्ठ बुद्धिमान होकर आप में प्रविष्ट होते हैं, हम दुखहीन होकर आप में प्रविष्ट होते हैं। प्रवास के समय जिसके बारे में सोचते हैं, अच्छे मन से उस घर में प्रसन्नता से रह रहे हैं, घर के पास रहने वाले देवता ज्ञानी है, वे देवता हमारे इस भाव को न जानने की कृपा करें। हमारे घर में सुख से रहने के लिए गायों को सम्मान पूर्वक बुलाया है, हमारे घर में सुख से रहने के लिए भेड़ों को तक सम्मान से बुलाया है, हमारे घर में सुख से रहने के लिए अज को सम्मान से बुलाया है, अन्न की समृद्धि हेतु हम इनका आवाहन करते हैं, हम कल्याण हेतु आपका आवाहन करते हैं, अनिष्ट निवारण हेतु हम आपका आवाहन करते हैं, हम लौकिक और पारलौकिक सुख पाने की इच्छा से आपका आवाहन करते हैं। हे मरुदगण, आप शत्रुओं की हिंसा करने वाले हैं, आप शत्रुओं को हवि का भक्षण करने वाले हैं। हे मरुदगणों,
यह दही मिश्रित सत्तू का भक्षण करने वाले हैं। जो पाप हमने गांव में किए हैं हम उनसे मुक्त होने के लिए यज्ञ करते हैं। उनके लिए स्वाहा, जो पाप हमने विपिन में किए हैं हम उनसे युक्त होने के लिए यज्ञ करते हैं। उनके लिए स्वाहा, जो पाप हमने सभा में किया है उससे मुक्त होने के लिए हम यजन करते हैं। उनके लिए स्वाहा, जो पाप हमने इंद्रियों से किए हैं हम उनसे मुक्त होने के लिए यजन करते हैं। उनके लिए स्वाहा। हे इंद्र, आप शक्तिमान हैं, आप देवों का पक्ष लेने वाले हैं, आप हमारा नाश मत कीजिए। आप महान हैं, हवि को ग्रहण करने वाले हैं, आप यज्ञ वाली हवि ग्रहण करते हैं, हम मरुदगण की भी वाणी से वंदना करते हैं। कर्मकर्ता वाणी के साथ मंत्र पाठ का कर्म करने की कृपा करें। परस्पर प्रीति पूर्वक रहने वाले यजमान गण देवताओं के अनुष्ठान करके प्रस्थान करने की कृपा करें। हे जल प्रवाह, आप नीचे की ओर बहने वाले हैं, आप बहुत तीव्र वेग वाले हैं, फिर भी धीमी गति से बहने की कृपा कीजिए। आप देवताओं के प्रति किए गए पाप धोने के लिए पधारे हैं। आप दुखदायी शत्रुओं से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे दर्वी देवी, आप पास स्थित अन्न से परिपूर्ण होने की कृपा कीजिए। हे दर्वी देवी, आप इंद्र की ओर जाने की कृपा कीजिए। इंद्रदेव सैकड़ों यज्ञ करने वाले हैं, हम हवि रूप अन्न रस को आपस में बेच रहे हैं। हे इंद्रदेव, आप हमें हवि प्रदान कीजिए, हम आपको प्रदान सफल करेंगे। आप निश्चित हवि धारण कीजिए, हम आपको अविष्ट फल देंगे। हम निश्चय ही आपको हवि प्रदान करते हैं, आप भी हमारे लिए अन्न प्रदान कीजिए। आपके लिए स्वाहा। यज्ञ ने यज्ञ को जो हवि पितरों के लिए प्रदान की है उसे पितरों ने स्वीकार कर लिया है, स्वीकार करके उस हवि का सेवन भी कर लिया है। स्वयं प्रकाशित ब्राह्मणों ने नई ऋचाओं से स्तुति शुरू कर दी है। हे इंद्रदेव, अब इस यज्ञ में पधारने के लिए हरि नामक घोड़ों को रथ में जोतने की कृपा कीजिए। हे इंद्रदेव, आप धनवान हैं, आप सभी को अच्छी और समान दृष्टि से देखते हैं, हम सब आपकी उपासना करते हैं। आप निश्चय ही हम सभी के पूर्ण बंधु हैं, आप स्तुति करने वालों के वश में रहते हैं, आप उनकी स्तुतियों का अनुकरण करते हैं। आप उनकी इच्छा पूरी करने के लिए रथ में हरि नामक घोड़ों को जोतने की कृपा कीजिए। हम वीर पुरुषों की गाथाओं को गाने वाले मंत्रों से पितरों को आमंत्रित करते हैं। हम पितरों को मन से बार बार आमंत्रित करते हैं। हमारा यह मन पुनः आए यज्ञ कार्य के लिए जीव लोक में पधारने की कृपा करें, हम बार बार सूर्य का प्रकाश देख सकें। पितृगण पुनः हमारे मन को श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रेरित करने की कृपा करें, ताकि हम जीव और घर वालों की सेवा कर सकें। हे पितरों, आप सोम व्रत वाले हैं, हम आपके प्रति पितृ कार्य में मन और तन लगाए हुए हैं, उसे धारण किए हुए हैं। हम संतानवान सच्चित आपकी सेवा में लगे रहें। हे रुद्र, यह आपका भाग है, आप अपनी पत्नी अंबिका के साथ उसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए।